गुड मॉर्निंग बेटा, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करेंगे। हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे ना, तो आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? लाइक साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेक थीटा, सीकेंट थीटा, कोसेक थीटा, वो सारा हम इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या? लेट वाई इज इक्वल्स टू साइन थीटा, देन डी वाई बाई डी एक्स साइन थीटा का अगर रिस्पेक्ट थीटा करें, अगर एक्स करोगे तो रिस्पेक्ट टू एक्स, लाइक वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, तो किसका फंक्शन है? वाई एक्स का, तो क्या बन जाएगा ये? डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर? जो फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे साइन थीटा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कोस थीटा। लाइक साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कोस एक्स। क्लियर बेटा? तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? कोस एक्स। सेकेंड आया हमारे पास, इफ वाई इज इक्वल्स टू कोस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, देन डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस एक्स, कोस एक्स साइन का होता है बेटा कोस, लेकिन कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। कितना हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इफ वाई इज इक्वल्स टू टेंजेंट एक्स, देन डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास सीकेंट स्क्वेयर एक्स। ये बेटा आपको याद करने पड़ेंगे, बेसिक फॉर्मूले हैं, सीकेंट स्क्वेयर एक्स। नेक्स्ट इफ वाई इज इक्वल्स टू कोट एक्स, अगर वाई क्या बन जाए? कोट एक्स, देन डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोट एक्स इज इक्वल्स टू, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस ऑफ कोस एक्स स्क्वेयर एक्स। क्या होगा? माइनस ऑफ कोसेक्स स्क्वेयर एक्स। नेक्स्ट हमारे पास इफ वाई इज सी, नेक्स्ट हमारे पास वाई इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, देन डी अपॉन डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स, टेंजेंट एक्स और सीकेंट एक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या? वाई इज इक्वल टू कोसेक एक्स, कोसेक एक्स या कोसेकेंट एक्स, देन डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल्स टू, कोसेक एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोट एक्स कोसेक एक्स। ये छह फॉर्मूले हैं हमारे पास, हम इनको याद करते हैं एक बार जनरली जनरली छह को, ताकि हम क्वेश्चंस में यूज कर सकें। सबसे पहला है हमारे पास साइन एक्स का, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कोस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स। सेकेंड है हमारे पास कोस एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। मीन्स साइन और कोस इंटरकन्वर्टिबल है, साइन का प्लस कोस, कोस का माइनस साइन, साइन का प्लस कोस, कोस का माइनस साइन। नेक्स्ट है हमारे पास टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स और सीकेंट एक्स रिलेटेड है, क्या क्या रिलेटेड है? टेंजेंट एक्स और सीकेंट एक्स। टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन तो सीकेंट स्क्वेयर एक्स, टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वेयर एक्स, बट सीकेंट एक्स का टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स, टेंजेंट का सीकेंट स्क्वेयर एक्स, सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। सिमिलरली कोट और कोसेक, कोट का माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स, जैसे टेंजेंट का सीकेंट स्क्वेयर एक्स वैसे कोट का माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स। टेन और कोट उल्टे रिवर्स होते हैं ना हमारे पास, तो टेंजेंट का सीकेंट स्क्वेयर एक्स, कोट एक्स का माइनस कोस एक्स स्क्वेयर एक्स, जैसे सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स वैसे कोसेक एक्स का माइनस ऑफ कोट एक्स कोसेक एक्स। क्लियर हो गए छह के छह फॉर्मूले? साइन कोस, टेन सीकेंट, कोट कोसेक, साइन का प्लस कोस, कोस का माइनस साइन, टेंजेंट का सीकेंट स्क्वेयर एक्स, सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स और कोसेक एक्स का माइनस ऑफ कोसेक एक्स कोट एक्स। ये छह हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं, हम इन्हीं का यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। कब वो सारे रूल भी एज इट इज अप्लाई होंगे कि अगर पावर है तो पहले पावर का, अगर कोई कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट हमारा भार। हम कुछ जनरल एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके, किसके? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, इफ वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स, सेकेंड लिया इफ वाई इज इक्वल्स टू टू साइन एक्स, थर्ड लिया इफ वाई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ टू एक्स, एंड फोर्थ एक ही चीज़ देखो थोड़ा थोड़ा चेंज करूँ मैं, फोर्थ लिया वाई इज इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर एक्स।
सारे साइन के फंक्शंस है लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज है। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले क्या वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा बेटा, कोस एक्स। तो फर्स्ट क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स कोस एक्स। नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टू साइन एक्स, टू कॉन्स्टेंट बार, अंदर क्या बन गया, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स कितना बन गया, ये टू कोस एक्स। थर्ड पे चलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कितना है हमारे पास, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन टू एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन टू एक्स। सबसे पहले साइन का करेंगे फिर हम एंगल का करेंगे, इन सब में हमारा फंक्शन एक्स था तो एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है वन, इसलिए हमने पीछे कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे एक्स ना होकर कितना है टू एक्स है। तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन कोस टू एक्स, अब एंगल का, पहले फंक्शन का देन एंगल का, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ टू एक्स, टू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा टू, तो कितना आ गया हमारे पास टू कोस ऑफ टू एक्स। नेक्स्ट है हमारे पास पावर डी वाई अपॉन डी एक्स, सबसे पहले हम किसका करेंगे पावर का, पावर फॉर्मूला क्या कहता था, पावर आगे एक पावर कम, तो कितना हो गया टू साइन एक्स, एक पावर कम हो गई। अब किसका करेंगे हम फंक्शन का, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, तो कितना आ गया हमारे पास टू साइन एक्स कोस एक्स। थोड़ा सा और चेंज कर रही हूँ इसी क्वेश्चन में, देखो लेट द फिफ्थ क्वेश्चन मैंने लिया, वाई इज इक्वल्स टू सेवन साइन स्क्वेयर फाइव एक्स, सेवन साइन स्क्वेयर फाइव एक्स। सबसे पहले हम कॉन्स्टेंट को बाहर छोड़ देंगे, डी वाई बाई डी एक्स सेवन बार। अब करेंगे हम पावर का, पावर आगे एक पावर कम, पावर कम हो गई साइन की वन, फाइव एक्स पावर का हो गया। अब हम डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे फंक्शन का, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन फाइव एक्स, साइन फाइव एक्स का हो जाए फिर से करेंगे हम फाइव एक्स का, तो कितना है ये सेवन टू ज़ा फोर्टीन साइन ऑफ फाइव एक्स, साइन फाइव एक्स का कोस फाइव एक्स और फाइव एक्स का फाइव, क्या आंसर आ गया हमारे पास सेवनटी साइन फाइव एक्स कोस एक्स। इस तरह से हम क्या करेंगे बेटा, डिफ्रेंशिएशन करते हैं फंक्शन का और पावर का, साइन फाइव एक्स कोस एक्स का कितना हो जाएगा फाइव कोस एक्स। क्लियर बेटा, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ पता चला कि पावर दे रखी हो तो पहले पावर का, कॉन्स्टेंट बार, देन फंक्शन का, देन एंगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ वाई इज इक्वल्स टू टेंजेंट फोर एक्स, तो मैंने सबसे पहले क्या कहा फंक्शन का, अब टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताया था, डी अपॉन डी एक्स टेंजेंट एक्स का फॉर्मूला था सीकेंट स्क्वेयर एक्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम टेंजेंट का, तो टेंजेंट 4x का कितना होगा डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वेयर 4x। अब किसका करेंगे हम 4x का, d अपॉन डी एक्स ऑफ 4x, क्या आ गया हमारे पास 4, 4x का कितना आया 4 सीकेंट स्क्वेयर 4x। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, नेक्स्ट हमने लिया लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर अपॉन टेंजेंट x, देखो बेटा क्या बन गया ये हमारा, कल हमने ऐसा क्वेश्चन किया था u अपॉन v का, y क्या है हमारे पास एक्स स्क्वेयर क्या बन गया u, टेंजेंट x क्या बन गया v, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ u बाई v का, y इज इक्वल्स टू u अपॉन v, क्या आया था हमारे पास v स्क्वेयर एज इट इज, क्या था हमारे पास v स्क्वेयर एज इट इज। इनिशियली हमारा v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ du बाई, डिफरेंशिएशन ऑफ du बाई dx, du बाई dx एज इट इज, डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, तो अब हमारे पास वी और यू हमें पता है दोनों का क्या क्या है, हम पुट कर देंगे वैल्यू, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले अपॉन में वी स्क्वेयर, तो वी कौन है टेंजेंट एक्स, क्या आ गया हमारे पास टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, क्या आ गया हमारे पास
टेंजेंट स्क्वेयर एक्स है, या तो हम यूवी से कर लें या हम सीधा भी तो कर सकते थे इसको, किससे, वन बाय टेंजेंट एक्स को क्या पुट कर सकते थे हम, कोट एक्स, इसी से करते हैं पहले। वी एज इट इज, वी यानी कि टेंजेंट एक्स हमारा एज इट इज, डी यू बाई डी एक्स, डी यू का कितना होगा एक्स स्क्वेयर का 2x, माइनस यू एज इट इज एक्स स्क्वेयर एज इट इज, टेंजेंट एक्स का कितना हो जाएगा सीकेंट स्क्वेयर एक्स। तो क्या आ गया हमारे पास 2x टेंजेंट एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर सीकेंट स्क्वेयर एक्स अपॉन टेंजेंट स्क्वेयर एक्स। क्लियर बेटा, 2x टेंजेंट एक्स से एक टेंजेंट एक्स कैंसिल, 2x नीचे क्या बचा एक टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स 1 अपॉन टेंजेंट एक्स को लिख दिया, क्या लिख दिया हमने कोट एक्स, क्या लिख दिया हमने कोट एक्स, माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज सीकेंट स्क्वेयर एक्स अपॉन टेंजेंट स्क्वेयर एक्स। सीकेंट स्क्वेयर एक्स क्या होता है 1 अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स, और टेंजेंट एक्स क्या होता है साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स, तो कोस स्क्वेयर एक्स से कोस स्क्वेयर एक्स कैंसिल और 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वेयर एक्स देंगे हम कोस एक्स स्क्वेयर एक्स। किसका डिफरेंशिएशन आ गया हमारे पास यूवी से। इसी को हम सीधा भी कर सकते थे, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर अपॉन टेंजेंट एक्स, दैट इज एक्स स्क्वेयर इंटू में कोट एक्स, 1 अपॉन टेंजेंट एक्स लिखते थे कोट एक्स लिख सकते थे हम। अब हम क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यू इंटू वी का, ये क्या बन गया u और ये क्या बन गया v। u into v का फॉर्मूला क्या होता था d upon dx of u v, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन एज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो वही किया मैंने dy by dx इज इक्वल्स टू u एज इट इज, u कौन है अब एक्स स्क्वेयर d upon dx of cot x प्लस सेकेंड कोट एक्स एज इट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर। क्लियर बेटा, तो एक्स स्क्वेयर एज इट इज कोट एक्स, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कोस एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस कोट एक्स एज इट इज एक्स स्क्वेयर का कितना हो जाएगा 2x, क्या आ गया हमारा आंसर माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर कोस एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस 2x कोट एक्स। यही था हमारा तब भी 2x cot x माइनस ऑफ एक्स स्क्र कोस एक्स स्क्र एक्स। क्लियर बेटा, इस तरह से हम टिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे सोल्व करेंगे, सबसे पहले पावर का देन फंक्शन का देन एंगल का। एक क्वेश्चन और उठाते हैं, कौन सा लिया हमने लेट टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ही लिया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल्स टू साइन एक्स क्यूब, ये क्यूब साइन पे नहीं है किस पे है? एंगल पे है। तो सबसे पहले हमने क्या किया डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस कोस एक्स क्यूब, अब डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है पावर आगे एक पावर कम, तो कोस एक्स क्यूब इंटू में 3x² दैट इज 3x² कोस एक्स क्यूब। इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला बेटा, इफ वाई इज लॉग ई एक्स, लॉग ई लिया मैंने नेचुरल लॉगरिथम के लिए, लॉग ऑफ एक्स है Start. क्या लिया हमने वाई लॉग एक्स ऑफ बेस ई, देन डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर हम इसका क्या करें डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है बेटा हमारे पास 1/x लॉग e ऑफ बेस ई, लॉग ई ऑफ बेस ई इस पे पजल होने की बात नहीं, कितना होता है 1। तो सिंपली हम क्या कहें y ऑफ लॉग x ऑफ बेस ई कितना होगा हमारे पास 1/x, कितना होगा 1/x, लाइक y लॉग e ऑफ सपोज करो t है, क्या हमारे पास t लॉग ऑफ t, तो विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं t करूं तो कितना हो जाएगा उसका 1/t लॉग x का, सिंपली अगर हम बोले लॉग x का तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, सिंपली याद रखना क्या रखना आपको 1/x। नेक्स्ट हमारे पास है इफ वाई इज इक्वल्स टू लॉग यू ऑफ बेस ई एंड यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, यू किसका फंक्शन है एक्स का, देन डी वाई अपॉन डी एक्स, सबसे पहले लॉग यू ऑफ ई, लॉग का क्या होगा हमारे पास 1/, तो कितना हो गया 1/u,
एन टू में यू का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी यू बाई डी एक्स, कितना हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास एक्सपोनेंशियल का, इफ वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स, बेटा ई हमारा क्या होता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल है, इस पर हमारा लॉगरिथम का इफेक्ट नहीं आता, डी वाई बाई डी एक्स भी कितना रहेगा ई रेज टू द पावर एक्स ही रहेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा याद रखना साथ में, क्या होता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर का, तो एक्स के रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है हमारे पास वन, तो मैं सिंपली क्या कहूँ ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी कितना होगा ई की पावर एक्स, और लॉग एक्स का क्या होगा वन बाई एक्स। क्लियर, ये याद रखना है तुम्हें। हमने क्वेश्चन लिया एक, नेक्स्ट लिया वाई, इफ वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर ए एक्स हो तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल है वो एज इट इज, तो क्या है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल एज इट इज ई रेज टू पावर ए एक्स। अब किसका करेंगे हम पावर का, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स, अब ए कॉन्स्टेंट बार एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन, तो कितना आ जाएगा ए कॉन्स्टेंट बार ई रेज टू द पावर ए एक्स, और एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो गया वन। कुछ क्वेश्चन उठाते हैं हम इसके भी, याद एक दो क्वेश्चन लाइक लेट, मैंने क्वेश्चन लिया वाई इज इक्वल्स टू ई एक्स स्क्वेयर, क्या लिया हमने वाई इज इक्वल्स टू ई एक्स स्क्वेयर, देन डी वाई अपॉन डी एक्स, सबसे पहले डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई पे ऑपरेट हो रहा है, किस पे ऑपरेट हो रहा है ई पे, तो ई एज इट इज ई एक्स स्क्वेयर एज इट इज। अब किसका करेंगे हम पावर का, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन ई एक्स स्क्वेयर एज इट इज, एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन पावर आगे एक पावर कम टू एक्स, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास टू एक्स ई एक्स स्क्वेयर। क्लियर बेटा, और एग्जाम्पल्स देते हैं हम, लेट हमने एग्जाम्पल लिया इफ x इज इक्वल्स टू ए टी क्यूब एंड y इज इक्वल्स टू बी टी स्क्वेयर, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। देखो एक बार, y किसका फंक्शन है टाइम का, y किसका फंक्शन है टाइम का, x भी किसका फंक्शन है टाइम का, लेकिन डिफ्रेंशिएशन किसका निकालना है y विद रेस्पेक्ट टू x। हम डी वाई बाई डी एक्स को डी टी से मल्टीप्लाई डी टी से डिवाइड करवा लें, डी टी से मल्टीप्लाई डी टी से डिवाइड, तो डी वाई बाई डी टी निकाल देंगे, इनटू में डी वाई बाई डी टी हो जाएगा हमारे पास, इनटू में डी टी बाई डी एक्स यानी कि डी एक्स बाई डी टी, भी वाई का विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट कर देंगे, एक्स को भी रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और दोनों की क्या करवा देंगे हम मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी टी रिवर्स ऑफ डी एक्स बाई डी टी, क्या आ जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, क्या आ जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले मैंने लिया डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी कितना होगा डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स की वैल्यू ए टी क्यूब, ए कॉन्स्टेंट बार टी क्यूब का थ्री टी स्क्वेयर दैट इज थ्री ए टी स्क्वेयर। अब हम निकालेंगे डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी डी अपॉन डी टी ऑफ बी टी स्क्वेयर, बी कॉन्स्टेंट बार टी स्क्वेयर का कितना हो जाएगा टू टी, डी वाई बाई डी टी आ गया डी एक्स बाई डी टी आ गया, हमें निकालना क्या था डी वाई बाई डी एक्स, क्या कहा मैंने आपको डी एक्स से मल्टीप्लाई डी टी से मल्टीप्लाई और डी टी से डिवाइड, डी वाई बाई डी टी है हमारे पास, डी एक्स बाई डी टी है हमारे पास, वैल्यू पुट करवा दो डी वाई बाई डी टी टू बी टी, निकाल क्या रहे हम डी वाई बाई डी एक्स टू बी टी, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी है हमारे पास कितना है थ्री ए टी स्क्वेयर, टी से टी कैंसिल कितना आ गया हमारे पास टू बी अपॉन थ्री ए टी। इस तरह से बेटा हम डिफरेंशिएशन की क्वेश्चन क्या करेंगे सोल्व करेंगे, हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया।